Okay, students. Now fifth question is 18 rupees 50 paisa equal to paisa है ना? Rupees को हम किसमें convert करेंगे? Paisa में, right? तो कैसे convert करेंगे? 1 rupee कितने paisa होते हैं? 1 rupee 100 paisa, right? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे होगा? ये 302 यूज 3 0 और 2 को यूज करके हमें सबसे छोटा नंबर ही बनाना है। क्या हम 0 को पहले रख के 32 लिख सकते हैं? 32 लिख सकते हैं 0 0 3 2, तो हमारा दो डिजिट का नंबर आ गया, 0 तो नहीं आएगा, तो 32 तो हम ऐसे भी तो लिख सकते 0 2 3, है ना? देखो कौन सा पॉसिबिलिटी, देखो 302 लिख सकते हैं हम, 302 है ना, ऐसा नंबर बन सकता है। फिर कैसे बनेगा? 320 बन सकता है, राइट? फिर हम 0 को आगे रख के देखते हैं, 0 3 2, फिर 0 2 3, है ना? फिर हम 2 को आगे रख के देख सकते हैं, 2 3 0 2 3 0, फिर 2 0 3, बस इतने नंबर हो सकते हैं 3 नंबर यूज करके, राइट? तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा? देखो सबसे छोटा तो यही है, 0 से स्टार्ट होता है, समझो ये तो दो डिजिट का ही हुआ, 32 और 23, है ना? बाकी सब 3 डिजिट नंबर से, राइट? आगे 0 उसको कोई वैल्यू नहीं होता, राइट? तो क्या हुआ हमारा सबसे छोटा नंबर? 23, यानी 0 2 3। ओके, okay. The next question is a triangle has dashed sides and the opposite sides are in dash length. Triangle ke jo the kitne sides the? 4 sides the, aur sare sides kya hai, opposite sides kya honge, uske equal hai, right? Yaad hai ki nahi? Dekho jab triangle aisa tha, right? ये दो लाइंस इक्वल है, देखो दोनों का सेम लेंथ है और ये वाला बहुत लंबा है, राइट? है ना?
ओके स्टूडेंट्स, नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, राइट? अब आपको इसको अरेंज करना है, सबसे छोटे से फिर बड़ा, छोटे से बड़े तक ले जाना. ओके, अब यहाँ देखो सबसे सबसे छोटा नंबर कौन सा है. पहले आप यहाँ थ्री नंबर्स है, राइट? थ्री थ्री डिजिट का है, राइट? अब क्या करो, थ्री डिजिट के हो यानी 100 डेज है इसमें, है ना? तो देखो यहाँ फर्स्ट डिजिट देखो, सबके फर्स्ट डिजिट यहाँ टू है, यहाँ सेवन है, यहाँ टू है, यहाँ सेवन है, यहाँ टू है, राइट? तो सबसे छोटा नंबर टू है, ये टू और सेवन से टू छोटा है ना. अब देखो उसको सेकेंड डिजिट देखो, यहाँ टू है, फिर यहाँ सेवन है, यहाँ भी सेवन है, तो सेवन में से टू छोटा है, राइट? तो फर्स्ट कौन सा आएगा, टू टू टू, है ना? हो गया, हमारा हो गया. ओके, कट कर दो. अब ये नहीं देखना है, अब यहाँ देखो, यहाँ टू का है, यहाँ भी 200 समथिंग है ना. तो देखो सेकेंड डिजिट यहाँ भी सेवन है, यहाँ भी सेवन है. अब थर्ड डिजिट देखो, यहाँ टू है, यहाँ सेवन है, राइट? तो टू छोटे के सेवन छोटे है, टू छोटे तो कौन सा आएगा, फिर टू सेवन टू, फिर क्या आएगा, टू सेवन सेवन. हो गया, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया. अब क्या बाकी बचा, 727, 752. अब देखो यहाँ दोनों फर्स्ट डिजिट सेवन है, राइट? तो 27 बड़ा है कि 52 बड़ा है, यानी 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है ना, 2 छोटा है. तो पहले कौन सा आएगा, 727 752. ओके, सिंपल ऐसे फाइंड कर सकते हो. देखो फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट डिजिट देखना, राइट? यहाँ टू है, यहाँ सेवन है, यहाँ फाइव है, यहाँ फोर है, और यहाँ वन है. सबसे छोटा कौन सा है, टू सेवन फाइव फोर वन, यानी वन छोटा है सबसे. तो वन टू थ्री पहले आएगा, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद टू आएगा, वन के बाद टू आता है, राइट? टू थ्री फोर, उसके बाद टू के बाद सेवन आता है, फाइव आता है, फोर आता है, फोर आएगा सबसे छोटा, वो ये फोर थ्री टू. अब एक और सबसे छोटा कौन सा है, फाइव के फोर है, फाइव है, राइट? फाइव फोर टू, और उसके बाद सेवन थ्री फोर. ओके, इन दिस वे यू हैव टू फाइंड असेंडिंग ऑर्डर. ओके, यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, हमने प्रीवियस क्या करा था, असेंडिंग ऑर्डर से करा था. डिसेंडिंग ऑर्डर का जस्ट ऑपोजिट, बड़े से छोटा. ओके, समझ में आया क्या होगा, बड़े से छोटा, राइट?